हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू चंद्रा अभी आपके साथ ये क्वेश्चन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन के एट पार्ट्स हैं। इस वीडियो में हमने सेवेंथ पार्ट किया है। 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स 4, ये पहला इक्वेशन है। और 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स माइनस 2, ये दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को हमें पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। 1 अपॉन x प्लस वाई को हम दोनों इक्वेशन में u से और 1 अपॉन x माइनस वाई को हम दोनों इक्वेशन में v से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे by substituting 1 upon x plus y equals u and 1 upon x minus y equals v in both the equations। तो हमारा equation बन जाएगा 10u plus 2v equals 4, ये equation 1 हो गया। and 15u minus 5v equals minus 2, ये equation 2 हो गया। Multiplying equation 1 by 3 and equation 2 by 2 and finding their difference. इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 30u प्लस 6v इक्वल्स 12। जब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30u माइनस 10v इक्वल्स माइनस 4। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को 2 से जो मल्टीपल आया है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आया है उससे। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो प्लस 30u माइनस 30u कैंसिल हो जाएगा। प्लस 6v प्लस 10v 16v इक्वल्स 12 प्लस 4 16 implies that v equals 16 upon 16 cancel hoga, implies that v equals 1, v ki value 1 nikal ke aa gayi। Substituting v equals 1 in equation 1, 10u plus 2 into 1 equals 4 implies that 10u equals 4 minus 2 implies that u equals 2 upon 10 cancel over न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में 5 u इक्वल्स 1/5। 1/x + y इक्वल्स u इक्वल्स 1/5 इंप्लाइज दैट x + y इक्वल्स 5 एंड 1/x - y equals v equals 1 implies that x minus y equals 1, x plus y 5 और x minus y 1 आता है। अब यहाँ x plus y की वैल्यू 5 आई है और x minus y की वैल्यू 1 आई है। x plus y और x minus y इन दोनों को ऐड करेंगे
एडिंग x प्लस वाई इक्वल्स 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स 1. x प्लस वाई इक्वल्स 5, x माइनस वाई इक्वल्स 1, 2x इक्वल्स 6. 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा. x इक्वल्स 6 अपॉन 2, ये कैंसिल होगा 2 से, 3 बच जाएगा. इंप्लाइज दैट x इक्वल्स 3. अब ये x की वैल्यू x माइनस y इक्वल्स 1 में डालेंगे, तो 3 माइनस y इक्वल्स 1. इंप्लाइज दैट ये y इधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और इस 1 को इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. y इक्वल्स 3 माइनस 1 इंप्लाइज दैट y इक्वल्स 2. x इक्वल्स 3 एंड y इक्वल्स 2, ये आंसर हो जाएगा.